एक कहावत आपने सुनी होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। और अब मैं ये क्यों और किसके लिए कह रही हूँ बताते हैं आपको इस वीडियो में। मैं हूँ किंजल और आप देख रहे हैं सीबीसी वायर। आज तक गोदी मीडिया की रेस में भागता हुआ नंबर वन चैनल, जिसे मोदी जी के गुणगान करने से कभी फुर्सत ही नहीं मिली है, अब अपने चैनल आज तक पर डिबेट के दौरान आज तक के एंकर अर्पिता आर्या ने ये प्रूव कर दिया है कि कैसे वो लोग बस बीजेपी और मोदी जी को बचाने में लगे रहते हैं, उनकी तरफदारी करने में लगे रहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा ने एक वाक्य कहा, वे आए थे गंगा के लाल बनकर और रह गए हैं अडानी के दलाल बनकर। इस वाक्य में उन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि वो किसके लिए ये बात कर रहे हैं, लेकिन अडानी का दलाल सुनते ही हमारी आज तक की एंकर साहिबा कूद पड़ी और मोदी जी के बचाव में बोलने लगी, शब्दों के चयन की बात कहने लगी। अर्पिता बोलती हैं कि आप अगर राहुल गांधी को इज्जत देते हैं, श्री लगाकर बोलते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री को भी इज्जत दीजिए। इस इंसिडेंट से ये तो बात साफ है कि आज तक के एंकर के साथ साथ अडानी का दलाल बोलने पर सबको मालूम हो जाता है कि बात किसकी हो रही है। पूरा नजारा आप देखिए। आए थे गंगा के लाल बनकर और रह गए अडानी के दलाल बनकर, हम ये जो सवाल पूछ रहे हैं, सर शब्दों का चयन देखिए सही करें। नहीं है, एक मंच है जहाँ पर सर आप राहुल गांधी को एक सेकेंड, राहुल गांधी को आप आदरणीय कह देते हैं क्योंकि वो आपके पार्टी के नेता हैं, श्री लगाकर आप बात करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको आप दलाल अगर कहते हैं सर, तो ये भी तरीका ठीक नहीं है। अगर आप बीजेपी के केवल नेता वो नहीं है, देश के प्रधानमंत्री भी है और इस बात को रखिए जरा ख्याल। गंगा के लाल बनकर लेकिन रह गए अडानी के दलाल बनकर। मैंने राहुल गांधी को श्री लगाइएगा, उनको आदरणीय बोलिएगा, और देश के प्रधानमंत्री को आप सीधे तौर पर दलाल कह लीजिए। केवल बीजेपी के नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं वो, इसलिए भी उनको आपको सम्मान के साथ बात करना चाहिए। रहिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुना आपने कैसे कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया ही नहीं है। अब ये वीडियो ट्विटर पर बड़ा वायरल है, लोगों के रिएक्शन भी आए हैं। एक लिखते हैं कि इसने साबित कर दिया, लोगों ने लिखा है कि बिना नाम लिए ही समझ आ गया है कि दलाल कौन है। अपने आप को चौथा स्तंभ बताने वाली मीडिया की यह हालत देख के गुस्सा नहीं बल्कि तरस आता है कि कैसे ये लोग पूरी तरह भूल चुके हैं कि क्या करना चाहिए, और इनके सवालों की, इनकी कहीं बातों की एक वक्त में क्या कीमत हुआ करती थी। खैर, जिस पैशन के साथ एंकर साहिबा मोदी जी को प्रोटेक्ट कर रही हैं, उनका बचाव कर रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।